आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे एंड दिस सिस्टम वुड बी द लास्ट सिस्टम जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सो किसी भी सिस्टम की जब आप पैथोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स में उसकी पैथोलॉजी को आपको डिवाइड करना पड़ता है। तकरीबन तकरीबन हर सिस्टम में कुछ बीमारियाँ होंगी जो जेनेटिकल बीमारियाँ होंगी या कंजेनिटल बीमारियाँ होंगी, बाय बर्थ होंगी, कुछ वेस्कुलर प्रॉब्लम्स होंगी, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ट्रॉमा की वजह से बीमारियाँ हो रही होंगी। ये तीन टाइप्स हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे CNS की, और इसके अलावा फिर हम अगले लेक्चर में इन्फेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, डीमाइलिनेटिंग डिजीज पढ़ेंगे, डीजेनरेटिव डिजीज पढ़ेंगे, और फिर एंड पे ट्यूमर्स पढ़ेंगे। तो तकरीबन सारी की सारी पैथोलॉजी, हर सिस्टम की पैथोलॉजी, जेनेटिक इलनेसेस, वेस्कुलर इलनेसेस, ट्रामा, इन्फेक्शन, डीजनरेशन, एनियोप्लाज्म, और कई दफ़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्लासीफाई हो सकती है और उसके अंदर जो है वो डिवाइड हो सकती है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कंजेनिटल CNS डिसऑर्डर्स। इसके अंदर एक तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। नाउ व्हाट इज न्यूरल ट्यूब? आप लोगों को पता होगा, एम्ब्रियोलॉजी में आपने पढ़ा था कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। टॉर्च कम्प्लेक्स, जो ये वो डिजीज होते हैं जो मदर से फीटस तक ट्रांसमिट होते हैं ड्यूरिंग बर्थ, और इसके अलावा हाइड्रोसेफलस, आर्डनल शेरी मैलफॉर्मेशन, कॉर्पस कैलोजम का एजेनेसिस एंड फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। इसके बारे में हम एक एक करके भी देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन व्हिच इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या होता है बेटा, कि जो न्यूरल ट्यूब होती है वो सही तरह से क्लोज नहीं हो पाती। जब वो सही तरह से क्लोज नहीं हो पाती तो न्यूरल ट्यूब का एक एंड आपको पता होगा ब्रेन बनाता है, और न्यूरल ट्यूब का जो दूसरा एंड है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, तो जब ये सही तरह से डिवेलप सही तरह से बंद नहीं होगी ट्यूब, तो फिर जो डिफेक्ट्स हैं वो स्कल के अंदर हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर, मेनिंजेस के अंदर, या वर्टिब्रा के अंदर। एक्सक्यूज मी, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बनती है, एंड दैट आल्सो इज इन अ वे गाइडेड बाय न्यूरल ट्यूब, ऑल्दो नोटोकॉर्ड का भी उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, अब जब आप कैसे आपको पता चलता है कि बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो रहे हैं? अगर आप मदर का सीरम यानी उसका ब्लड टेस्ट करवाएं या एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करें बेबी का, तो उसके अंदर अल्फा फीटो प्रोटीन की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सो अल्फा फीटो प्रोटीन, AFP जिसे कहते हैं, अगर आप AFP लिखें उसके टेस्ट के अंदर, या जब भी आप ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाते हैं तो अक्सर वो हर ट्राइमेस्टर में जब आप रूटीन चेकअप करते हैं तो उसके अंदर AFP भी एक टेस्ट है जो रूटीनली करवाते हैं, ताकि देखें कि बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स तो डेवलप नहीं हो रहे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये आपको दिखाया हुआ है कि न्यूरल ट्यूब कैसे बन रही होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड के इर्द-गिर्द का टिश्यू है जो ट्यूब में डेवलप हो रहा है, और जब ये सही तरह से बंद नहीं हो पूरे का पूरा तो ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं, और इन डिफेक्ट्स के मुख्तलिफ नाम हैं। वो क्या क्या नाम है? एक तो डिफेक्ट का नाम है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा जब पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च सही तरह से क्लोज ना हो, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा होता है उसका एक ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, बॉडी होती है और स्पाइन होती है, और इस बॉडी के दो पार्ट पार्ट होते हैं, सॉरी, एक इंटीरियर आर्च होती है और एक पोस्टीरियर आर्च होती है। अगर पोस्टीरियर आर्च पूरी सही तरह से बंद ना हो, यानी स्पाइन वाली साइड की तरफ वर्टिब्रा सही तरह से बंद ना हो, तो उसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा वो होता है, ओकल्टा का मतलब छुपा हुआ। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा वो होता है जिसमें कोई डिफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, अपेरेंटली बाहर से बॉडी पे कुछ भी ख़राब नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और ये वर्टिब्रल आर्च का जो ये प्रॉब्लम है पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च का, वो किसी एक या दो वर्टिब्रा तक लिमिटेड होता है। लेकिन स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका एक वो स्पाइना बाइफिडा की टाइप है जिसके अंदर मेनिंजेस जो हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द-गिर्द मेम्ब्रेनस कवरिंग होती हैं, वो थोड़ी बाहर को निकल आती हैं। हर्निएशन का मतलब बाहर को निकल आएंगी, तो मतलब यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो इधर से थोड़ा सा बाहर को निकल आएंगी, वो मेनिंजेस बाहर को निकल आएंगी, तो दैट इज स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। मेनिंजोसील उसको कहते हैं कि इस जो मेम्ब्रेन्स आ रही हैं बाहर को, इसके अंदर सिर्फ मेनिंजेस हों। मेनिंजियो माइलोसील उसे कहते हैं जिसमें उस हर्निएशन के अंदर जो टिश्यू बाहर आ रहा है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो। तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में खाली मेनिंजेस बाहर हो सकती हैं या
मेनिंजेस के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर हो सकती है. तो खाली मेनिंजेस बाहर होगी तो मेनिंजोसील, और अगर साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर होगी तो मेनिंजो माइलोसील हो जाएगा वो. ठीक है, फिर उसके बाद एनेंसेफली. एनेंसेफली का मतलब होता है ब्रेन बिल्कुल हो ही ना, तकरीबन इतना कम हो कि ना होने के बराबर हो. ठीक है, और जब ब्रेन नहीं होता तो उसके बाद ओवरलाइंग स्कल भी नहीं होती. तो जैसे आपको बताया था कि न्यूरल ट्यूब का अब जो एक एंड है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द ब्रेन, द अदर एंड इज गोइंग टू फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड. तो किसी भी साइड पर मसला हो सकता है, तो जौन सी साइड पर होगा उस तरह के फिर मसले होंगे, एनेंसेफली से लेकर स्पाइना बायफिडा और उसकी टाइप्स तक. ठीक है, अच्छा स्पाइना बायफिडा अगर बिल्कुल ओपन है, और ये एनेंसेफली आपको दिखाई हुई है, ये स्पाइना बायफिडा है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ रही है, तो ये मेनिंजो माइलोसील बन रही है इसके अंदर. ठीक है, ओकल्टा में पोस्टीरियर आर्च बंद नहीं होगी लेकिन कुछ बाहर को निकला नहीं होगा, बॉडी पे कुछ खास नज़र नहीं आएगा सिवाय थोड़ा सा बाल, बाल वहाँ पे ज़्यादा होंगे. ठीक है, बेबी के. फिर जो मेनिंजो सील है उसके अंदर मेनिंजेस बाहर की तरफ होंगी, मेनिंजो माइलोसील में मेनिंजेस भी बाहर होंगी, स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर होगी. ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस, अगेन आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. अच्छा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के सिम्टम्स कैसे आते हैं? एक तो ये होता है कि लेग्स का पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड किस जगह से कट रही है या किस जगह से ख़राब हो रही है. फिर लोअर बॉडी वीकनेस होगी क्योंकि थोड़ा फालज की तरह के सिम्टम्स होंगे. फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी, विजुअल इंपेयरमेंट होगी अगर ब्रेन वाली साइड पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, ग्रोथ स्टंटेड होगी, मेंटली रिटार्डेड होगा बच्चा, मूवमेंट में डिफिकल्टीज होंगी, फेशियल डिफेक्ट्स होंगे क्योंकि इवेंचुअली स्कल सही तरह से नहीं बन रही तो फेस पूरा सही भी नहीं बनेगा, मसल टोन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती हैं, रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती हैं क्योंकि पॉन्स और मटला के पास रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, हेड इनलार्जमेंट हो सकती है कई दफ़ा, वॉमिटिंग नॉजिया वगैरह, बच्चा हो सकता है होश में ही ना आए, कॉमा में रहे. फिर यूरिनरी एंड बाउल डिसफंक्शन होती है क्योंकि सेक्रल प्लेक्सेस जो है वो इवेंचुअली कंट्रोल करता है, और अगर वहाँ पर मेनिंजो माइलोसील हो गए तो प्रॉब्लम करेगा, यूरिनरी एंड बाउल कंट्रोल नहीं होगा सही तरह से, और इसके अलावा कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं इनके साथ साथ. सो ये टफ्ट ऑफ हेयर अगर इस तरह से आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पाइनल बायफिडा ऑकल्ट है, मतलब पोस्टीरियर आर्च पूरी बंद नहीं हुई लेकिन मेनिंजो सील या मेनिंजो माइलोसील नहीं है, वो अंदर ही है लेकिन इस तरह से बाहर उसके फिर बाल नज़र आते हैं आपको. ठीक है, अगेन आपको दिखाया हुआ है स्पाइनल बायफिडा ऑकल्टा में क्या होता है, मेनिंजो सील में क्या होता है, और मेनिंजो माइलोसील में क्या होता है, या माइलो मेनिंजो सील जैसे भी उसे कह दो. अच्छा, इसके बाद दूसरी टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो हमने करने थे वो टॉर्च कम्प्लेक्स था. टॉर्च कम्प्लेक्स क्या होता है? टॉर्च बेसिकली मुख्तलिफ इन्फेक्शन्स के नाम हैं. ठीक है, तो ये वो इन्फेक्शन्स हैं जो मदर से फीटस तक ट्रांसमिट होते हैं और इनके एक जैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं. ठीक है, टॉर्च का मतलब क्या बनता है? टॉर्च से टी से बनता है टॉक्सोप्लाज्मा, ये पैरासाइट है, और आर से बनता है रुबेला वायरस, साइटोमेगैलो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस. ठीक है, सो ये जितने भी वायरसेस हैं ये स्किन को, आइज़ को, सीएनएस को और सीवीएस को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, और इनसे कोरियो रेटिनाइटिस हो जाता है. कोरियो रेटिनाइटिस का मतलब वो जो आई की जो लेयर्स होती हैं, कोरियोइड लेयर और रेटिनल लेयर, वो इन्वॉल्व होती हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है. तो स्किन, आइज़, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक तो ब्रेन छोटा रह जाता है, पूरा डेवलप नहीं होता, जिसे माइक्रोसेफली कहते हैं. ठीक है, और ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ जगह पे कैल्शियम डिपॉजिट्स हो सकते हैं. ठीक है, सो ये इन इन बीमारियों में या इन इन्फेक्शन में, जिसमें क्या उसे कहते हैं, पैरासाइट्स भी हैं और वायरसेस भी हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं मदर से फीटस तक, और उनके अंदर ये इलनेसेस आ जाती हैं. सो ये नाम याद रखिएगा इन वायरसेस के, कि ये कंजेनिटली प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, और ये सिर्फ सीएनएस के प्रॉब्लम्स नहीं करती, इसके साथ साथ बाकी प्रॉब्लम्स भी करती हैं, ये भी याद रखिएगा. लेकिन चूँकि सीएनएस के ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा अडल्ट्स में हो तो सीएनएस की प्रॉब्लम्स करवाता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अब ये आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाया हुआ है कि ये टॉर्च कम्प्लेक्स में एक्चुअली बेबी में क्या क्या प्रॉब्लम नज़र आती हैं. सो स्किन हेमरेजेज होती हैं, स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, हार्ट के प्रॉब्लम्स, लंग के प्रॉब्लम्स, जीआईटी के हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, फिर ये आई की प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसमें कोरियो रेटिनाइटिस हो रहा है, कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है. कंजंक्टिवाइटिस का मतलब वो जो कवरिंग या लेयर आई के बाहर होती है जो कवर करती है, दैट इज कंजंक्टिवा, उसकी इन्फ्लेमेशन इज कंजंक्टिवाइटिस. कई दफ़ा इवन मोतिया भी हो जाता है, मतलब बच्चों को बाय बर्थ नज़र नहीं आ रहा होता, कैटरेक्ट हो जाता है. सो वो टॉर्च इन्फेक्शन में होता है. हेड वुड बी स्मॉल विच इज माइक्रोसेफली, और ब्रेन में कैल्सिफिकेशन नजर आएंगी, और आईज जो है वो छोटी होंगी, सही तरह से डेवलप नहीं होंगी बिकॉज सी एन एस पे इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, सो ये सारी की सारी इसके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा. फिर हाइड्रोसेफलिस आ जाता है. हाइड्रोसेफलिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोसेफलिस का मतलब बेटा ये होता है कि
CSF जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्रेनियम के अंदर, यानी कि जो ब्रेन की जो कैविटी है जिसके अंदर CSF आमतौर पे घूमता फिरता है, यानी कि वेंट्रिकल्स के अंदर घूम रहा होता है, तो उसके अंदर वो CSF जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, और जब वो जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑब्वियसली फूलना शुरू कर देता है, फुलाना शुरू कर देता है ब्रेन को, तो बच्चों में फिर ब्रेन जो है एनलार्ज हो जाता है। तो इसकी क्या कॉजेज क्या हो सकती हैं अगर CSF ज़्यादा हो रहा है? तो एक कॉज तो ये होगी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है CSF की, विच इज़ अ रेयर कॉज। दूसरी ये होगी कि CSF जो सर्कुलेट कर रहा होता है मुख्तलिफ वेंट्रिकल्स के अंदर से, अगर आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर की एनाटॉमी पढ़ी है या इवन एम्ब्रियोलॉजी में सेकंड सेमेस्टर में एनाटॉमी में देखा है, तो आपको पता होगा कि वेंट्रिकुलर सिस्टम ब्रेन का क्या होता है, विल टॉक अबाउट इन अ वाइल। उस वेंट्रिकुलर सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से घूम रहा होता है, ठीक है? सो अगर वो कहीं पर रुक जाए, मतलब उसका रास्ता कहीं पर रुक जाए, तो फिर वो जहाँ पर रुकेगा पीछे से वो एरिया एनलार्ज होता जाएगा, तो उसको हाइड्रोसेफलस कहते हैं। सेफलस का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रेन और स्कल, हाइड्रो का मतलब पानी, यानी कि ब्रेन में पानी ज़्यादा होता जा रहा है। अब इसके अंदर हाइड्रोसेफलस एक्स वेक्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेरिब्रल मास कम है, मतलब ब्रेन छोटा हो रहा है तो CSF बाकी जगह भर रहा है। तो ब्रेन छोटा किस किस वक्त हो सकता है? अल्जाइमर्स के अंदर हो सकता है, जब ओल्ड एज डिमेंशिया होता है उसमें हो सकता है, फिर इस्कीमिया की वजह से, स्ट्रोक वगैरह की वजह से भी, जब ब्रेन टिश्यू डेड होना शुरू होता है तो ब्रेन एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी छोटा हो जाता है, तो फिर CSF उस जगह में भरना शुरू हो जाता है, तो उसको हाइड्रोसेफलस एक्स वैक्यू कहते हैं। सो क्या होता है, पहले तो आप ये समझो कि ऑब्स्ट्रक्शन का क्या सीन है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन से सबसे ज़्यादा हाइड्रोसेफलस होते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है, उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि CSF ट्रैवल कैसे करता है ब्रेन के अंदर से। तो CSF जो है वो दो साइड पे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, वहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर फॉरमेन के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से सेरिब्रल एक्विडक्ट में जाता है, या उसे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं, वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से फोरमेन ऑफ मेजेंडी में जाता है, और फिर वहाँ से सबअरेक्नॉइड स्पेस में जाता है, और फिर इवेंचुअली वहाँ से अरेक्नॉइड विलेज में जाता है, जो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो CSF का काम क्या है, उसने एक तो ब्रेन को फ्लूइड रखना है, ब्रेन जब आप हिलें जुलें तो आपका ब्रेन जाके जोर से टकराए ना साइडों पे, उससे इंजरीज से बचाता है उसको। फिर ब्रेन के अंदर जो डिबरी पैदा होती है या जो वेस्ट मटीरियल पैदा होता है उसको वो ऑल द टाइम इट हैज़ दिस रोल ऑफ क्लीनिंग इट अप, ठीक है, उसको क्लीन करता है, जैसे बाकी बॉडी में लिम्फैटिक सिस्टम करता है ना, ब्रेन में लिम्फैटिक सिस्टम नहीं होता उस तरह से, ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो लिम्फैटिक सिस्टम का रोल अदा कर रहा होता है, या लिम्फ का, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं लेटरल वेंट्रिकल्स और ये सारा कुछ? वेंट्रिकल का मतलब होता है खाली जगह, आपने हार्ट के अंदर तो वेंट्रिकल्स पड़े होंगे, लेकिन ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वो खाली जगह होती है, चैम्बर होते हैं। तो ब्रेन के सेंटर में करके ना, कॉर्टेक्स से थोड़ा सा नीचे जहाँ पे थैलेमस होता है, थैलेमस की दोनों साइड्स पे आपको वेंट्रिकल्स नजर आते हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल्स उन्हें कहते हैं, वहाँ पे फ्लूइड होता है, फिर वो लेटरल वेंट्रिकल एक छोटी सी सुराख से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से होके फिर वो आगे एक लंबी सी ट्यूब में से होके फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इधर से ट्रैवल कर रहा है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम है, ठीक है। ये वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स दो, फिर एक थर्ड वेंट्रिकल, फिर आगे एक ट्यूब सेरिब्रल एक्विडक्ट जिसे कहते हैं, और वहाँ से फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है। अब ये देखते जाओ आप, जो लेटरल वेंट्रिकल है वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के लेवल पे है, जो थर्ड वेंट्रिकल है वो थोड़ा नीचे जा रहा है, ब्रेन स्टेम के लेवल पे आता जाता है, फिर जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है मिसाल के तौर पे वो पॉन्स के लेवल पे, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबेलम के लेवल पे, फिर जो आखिर में आखिरी एरिया है वो मेडुला के लेवल पे भी आ जाता है, ठीक है, और फिर आगे से सेरिब्रल कैनाल बन जाती है इसकी, जो कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को स्पाइनल कॉर्ड में से लेके जाती है। तो ये जहाँ जहाँ सुराख है, जहाँ से एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल तक इसकी जा रहा है, वहाँ पर किसी भी वजह से अगर वो बंद हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो उससे पीछे जहाँ जहाँ होगा वो जगह फूलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं हाइड्रोसेफलस की, अभी आपको बताइए। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, जिसके अंदर कंजेनिटल हो सकता है, कंजेनिटल में क्या होता है कि ये जो एक्विडक्ट है ये पत्ती हो जाती है, स्टिनोसिस हो जाता है, यानी कि जो सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, ये जो थर्ड वेंट्रिकल से सर्विस स्पाइनल फ्लूइड को फोर्थ वेंट्रिकल में लेके जा रही थी, ये छोटी हो जाती है किसी वजह से डेवलपमेंट के दौरान, तो एक तो इस वजह से फिर पीछे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके अलावा वेंट्रिकुलर सिस्टम में कोई चोट लग जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो रही है, मतलब जब ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में, एरेक्नॉइड विलाई में जाते हैं जिसने रीअब्जॉर्ब करना होता है फ्लूइड को, वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से, या प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो जो कोरॉइड प्लेक्सेस है वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप हाइड्रोसेफलस होगा। फिर अनस्पेसिफाइड में एक नॉर्मल प्रेशर होता है हाइड्रोसेफलस का, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही होती, लेकिन उसके बगैर भी वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर हाइड्रोसेफलस एक्स वेक्यू, जैसे अभी आपको बताया है कि कोई मास हो या एडवांस डिजीज हो, उसके अंदर जो है वो
जो सेरिब्रल मास है सॉरी वो कम हो जाता है एडवांस डिजीज के अंदर, तो वो हाइड्रोसेफलस एक्सवेक्यू कहलाता है। फिर एक्सलिंक्ड कंजेनिटल मतलब एक एक ऐसी इनहेरिटेंस पैटर्न होता है जिसके अंदर बीमारी ट्रैवल करती है जनरेशन के अंदर, तो उसके अंदर भी हाइड्रोसेफलस हो जाता है। तो इस तरह से आपको ब्रेन बहुत फूला हुआ नजर आएगा क्योंकि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जमा हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हाइड्रोसेफलस इज। इंटरनल हाइड्रोसेफलस का मतलब क्या है कि CSF का वॉल्यूम जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर ज्यादा हुआ हुआ है। एक्सटर्नल हाइड्रोसेफलस का मतलब क्या है कि CSF का वॉल्यूम ज्यादा हुआ हुआ है लेकिन सब अरेक्नॉइड स्पेस में, वेंट्रिकल्स में नहीं ज्यादा हुआ हुआ। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस का मतलब ये है कि CSF जो है वेंट्रिकल्स और सब अरेक्नॉइड स्पेस में आमतौर पर जा रहा है। वेंट्रिकल्स और सब अरेक्नॉइड स्पेस का मतलब क्या है, वेंट्रिकल्स का मतलब है कि अंदर बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में, और सब अरेक्नॉइड स्पेस का मतलब जो ब्रेन के इर्द गिर्द जो अरेक्नॉइड मैटर के नीचे का एरिया है वो। क्योंकि सिर्फ अंदर सेंटर में नहीं होता फ्लूइड, बाहर की तरफ भी होता है, क्योंकि ब्रेन जब आपके हिलने जुलने के साथ हिल रहा होता है तो जाके स्कल पे जोर से ना लगे उसको बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द भी तो कवरिंग चाहिए ना, तो सब अरेक्नॉइड स्पेस वाली कवरिंग होती है। सो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस वो है, एक्सटर्नल इंटरनल हाइड्रोसेफलस वो है जो सिर्फ यहाँ पे है, एक्सटर्नल हाइड्रोसेफलस वो है जो सिर्फ सब अरेक्नॉइड स्पेस में है, ठीक है। ये हाइड्रोसेफलस में बड़े हुए हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। और जो कम्युनिकेटिंग है वो दोनों जगह है। नॉन कम्युनिकेटिंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लो जो है वो वेंट्रिकल्स में ज़्यादा है, सब अरेक्नॉइड स्पेस तक नहीं जा रहा, ठीक है। सो ये आपको दिखाया गया कि किस तरह से CSF ज़्यादा होने की वजह से वेंट्रिकल्स फूल जाते हैं और ब्रेन जो है वो बड़ा लगने शुरू हो जाता है। और CT स्कैन पे आपको नॉर्मल ब्रेन कैसा नज़र आएगा, और हाइड्रोसेफलस की वजह से एक काली काली जगह ज़्यादा होगी क्योंकि ब्रेन का जो हाइपरटेंस टिश्यू नज़र आना था वो नज़र नहीं आना, उसकी जगह फ्लूइड है, ठीक है। अच्छा, तरीका क्या होता है इसका इलाज का, शंट्स डालते हैं सर्जरी वगैरह करके, और यहाँ से फिर उनके ब्रेन से फ्लूइड जो है वो GI ट्रैक तक लेके जाते हैं और वहाँ से फिर इवेंचुअली वो बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ देर ये शंट्स रहती है जिसकी वजह से इवेंचुअली सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर आपके पास आ जाता है आर्नल्ड शियरी मैलफॉर्मेशन। आर्नल्ड शियरी मैलफॉर्मेशन जो है, जो आर्नल्ड शियरी मैलफॉर्मेशन है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, अच्छा बच्चों, तो आर्नल्ड शियरी मैलफॉर्मेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो सेरिबेलर हेमिस्फेयर हैं, जो ब्रेन है वो ब्रेन और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यानी कि जो ब्रेन स्टेम है वो जो फॉरमन मैग्नम है, जो स्कल का जो बड़ा सारा पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में जो उसका बड़ा सारा वो होता है सुराख होता है जिसके अंदर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का आपस में लिंक होता है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड ने गुजरना है वहाँ पे से क्या होगा, पूरा ब्रेन जो है वो हर्निएट हो जाता है और वो नीचे से ब्रेन और मेडुला उस फॉरमन मैग्नम से नीचे की तरफ आ जाती है। फिर उसकी वजह से वो जो ब्रेन टिश्यू डिस्प्लेस हुआ होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, और फिर जब उसको प्रेशर पड़ता है तो उसको सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलती, जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो उस पार्ट ऑफ ब्रेन की एट्रोफी हो जाती है, इसकी वजह से भी हाइड्रोसेफलस हो सकता है। ये जो ब्रेन का नीचे आना है फॉरमन मैग्नम से, इसको आर्नल्ड शियरी मैलफॉर्मेशन कहते हैं, और जो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है CSF ट्रैक्स की वो हाइड्रोसेफलस करती है। और हमेशा इसके अंदर हमेशा इसके साथ एक माइलोमेनिंजियोसील या मेनिंजियोमाइलोसील भी होती है, जो कि स्पाइनल बायफिडा में आपको मैंने बताया था। और ये किस रीजन में होती है, थोरेसिक या लंबर रीजन, या उसके जहाँ पे ये थोरेसिक और लंबर रीजन मिल रहे होते हैं वहाँ पे मेनिंजियोमाइलोसील भी इसके साथ साथ होती है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल ब्रेन है, इसने जो है वो नॉर्मली जो है इसने यहाँ पे होना था, और एक सेकेंड इससे बेहतर पिक्चर कोई हो मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली जो ब्रेन है वो यहाँ पे सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा इधर खत्म हो जानी चाहिए, फॉरमेन मैग्नम से नीचे स्पाइनल कॉर्ड आनी चाहिए, लेकिन अगर कई दफा ये पूरा नीचे की तरफ चला जाए, सेरिबेलम भी नीचे की तरफ आ गया, थोड़ी सी मेडुला ऑब्लोंगेटा भी नीचे उसमें से घुस गई, क्या उसे कहते हैं जो आपका फॉरमन मैग्नम है, तो ये एक शियरी मैलफॉर्मेशन कहलाती है, आर्नल्ड शियरी मैलफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे MRI पे एक ज़्यादा बेहतर इमेज नज़र आ रही है कि सेरिबेलम थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हुआ है।
ठीक है, दिस इज अल्नर शेयरी मैलफॉर्मेशन, ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक होती है बैक की तरफ, बैक ऑफ हेड पे, कफिंग एंड स्नीजिंग होती है, नमनेस होती है, वीकनेस होती है हैंड की, डिस्फेजिया होती है, गेट अनस्टडी होती है बिकॉज सेरिबेलम का काम गेट को कंट्रोल करना भी होता है, पिंज एंड नीडल सेंसेशन होती है जो हर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम में अक्सर हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ इसके सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ गया एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस केलोसम। अब कॉर्पस केलोसम क्या होता है बेटा, कॉर्पस केलोसम वो बॉडी है जो ब्रेन ब्रेन के जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो एक जैसे होते हैं तकरीबन देखने में, उन दोनों को जो आपस में मिलाती है दैट इज कॉर्पस केलोसम। फाइबर्स होते हैं कुछ जो दोनों साइड्स के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को मिलाते हैं, कई दफ़ा वो सही तरह से बनता ही नहीं है, जब वो बनता नहीं है तो उसको एजेनेसिस कहते हैं और वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ और मसले भी हो सकते हैं, सो एजेनेसिस का मतलब ये है। अच्छा, अब फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या है, अल्कोहल किस तरह से अटैक करता है ब्रेन के ऊपर। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम आपको एजेनेसिस का पहले दिखा दूं, ये दो साइड्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने आपस में मिलना है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम, लेकिन कॉर्पस कैलोसम अगर नहीं है तो वहाँ पे एजेनेसिस हो जाएगा, उसकी वजह से और मसले होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में अगर मेटरनल अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा हो प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर उसकी वजह से कुछ फेशियल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, फेस सही तरह डेवलप नहीं करता बच्चे का, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, बच्चा पूरा अपना ग्रो नहीं कर सकता सही तरह से, मेंटली रिटार्डेड होता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को मिलकर जो चीज़ होती है। अच्छा, पहले क्या होता है, अल्कोहल जो है वो फोर ब्रेन पर इफेक्ट करता है, ठीक है, और मोटर कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग बच्चे की जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्कोहल जो है मिड ब्रेन को ख़राब करता है, जब मिड ब्रेन ख़राब होना शुरू होता है तो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फिर ब्रेन स्टेम पे इम्पैक्ट करता है, ब्रेन स्टेम पे जब इम्पैक्ट करेगा तो हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और बाकी जो सारे होम्योस्टेटिक सिस्टम्स थे, एपिटाइट, कॉन्शियसनेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट होना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा डेथ भी हो सकती है ब्रेन बेबी की, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड अल्कोहल, ठीक है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में आपको फेशियल डिफेक्ट्स दिखा रहे हैं, इस तरह का फेशियल डिफेक्ट आपको एक नज़र आ रहा है कि नेजल ब्रिज थोड़ा नीचे है, ईयर एबनॉर्मेलिटी है कुछ, जो फिल्ट्रम है वो सही तरह से नहीं बना होता, मिड फेस जो है वो फ्लैट होता है, नोज छोटा होता है, अपर लिप बहुत थिन होता है, और इसके अलावा आइज़ के पास एपी कैंसिल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में हो सकते हैं। सो इसके अल्कोहल इनटेक के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए और किसी वजह से वो हराम है। ओके, इसके बाद आपके पास आ गए सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीजेस। सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीजेस या सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स या CVAs बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका दूसरा नाम स्ट्रोक भी है, पालिस भी कहते हैं जिसे, ठीक है। इस पे आपका वेसल्स का नॉलेज, एथरोस्क्लेरोसिस का नॉलेज अगेन अप्लाई होगा जो आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि आखिर स्ट्रोक होता कैसे है। दो तीन तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, एक को इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, एक को हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं और एक ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है। मेन स्ट्रोक्स या मेन जो बड़े फालिज होते हैं वो ए और बी टाइप्स हैं, यानी कि इस्कीमिक और हेमरेजिक। इस्कीमिक एज ए नेम इंडिकेट्स उस वक्त होता है जब ब्लड सप्लाई कम होती है और इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया इज द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और उसकी वजह से टिश्यू का डेड होना। हेमरेजिक स्ट्रोक इज हेमरेज, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। सो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे कहते हैं दिमाग की शरियान फट गई, वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक होता है जब ब्लड पहुँच नहीं रहा, दिमाग की शरियान बंद हो गई, ठीक है। सो ये आपको सर्कल ऑफ विलिस और ब्रेन का वो जो क्या उसे कहते हैं ब्लड सप्लाई है वो दिखाई हुई है कि ये सर्कल ऑफ विलिस है, इसके अंदर मुख्तलिफ एंटीरियर मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, फिर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, बेजलर आर्टरी है, ये सारी की सारी कैरोटिड सिस्टम से आ रही होती हैं। कैरोटिड आर्टरीज, इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज जो आपने नेक के एनाटॉमी में पढ़ी होंगी, और इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज जब ब्लॉक होना शुरू होती हैं तो फिर उसके बाद जो है वो ब्लॉकेड आगे तक जाता है और फिर जो है स्लोली वो फिर इम्पैक्ट करना शुरू करता है। कई दफ़ा इंटीरियर मिडल और बाकी जो बेजलर वगैरह आर्टरीज हैं इनके अंदर भी ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। सो ये सर्कल ऑफ विलिस की पूरी सिस्टम है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं पढ़ा रहा, लेकिन इनमें से इंटीरियर मिडल बेजलर पोस्टीरियर और कोई भी कम्युनिकेटिंग जो इंटीरियर और मिडल के बीच में और मिडल और पोस्टीरियर के बीच में कम्युनिकेट करा रही होती हैं उसे कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कहलाते हैं। ये आर्टरीज अक्सर ब्लॉक होती हैं और इनके ब्लॉक होने की वजह से जो ये एरिया ब्रेन का सप्लाई कर रही होती हैं वो एरिया के अंदर जोन जोन से फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे फंक्शंस इवेंचुअली इंपैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रोक में फिर इस तरह होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक जो इन्फार्क्शन की वजह से होगा और ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर जो नेक्रोसिस की टाइप होती है वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। ये आपने नेक्रोसिस की टाइप्स की होंगी, इसको काइंडली दोबारा देख लीजिएगा कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में मॉर्फोलॉजी कैसी होती है।
फिर इसके बाद जब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाता है वहाँ पे ब्रेन टिश्यू डेड हो जाता है ब्लड के ना पहुँचने की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, तो वहाँ पे सिस्ट बन जाती है। और इसके अंदर फिर क्या हो सकता है, ऑक्लूजन क्यों होती है आर्टरी की, थ्रोम्बोसिस की वजह से होगी, यानी कि वहाँ पे क्लॉट डेवलप हो रहा है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होगा, या एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद थ्रोम्बोसिस होने के बाद वो क्लॉट कहीं और बना और वो एम्बोलस बनने के बाद एम्बोलिज्म के थ्रू कहीं ना कहीं से आता हुआ ब्रेन में फंस गया, ब्रेन की आर्टरीज में, तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म दोनों की वजह से हो सकता है। पैथोलॉजी या मॉर्फोलॉजी या हिस्टोलॉजी में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा विद सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, विद और विदाउट समटाइम्स सिस्ट होगी। अच्छा, अब ये एम्बोलस कहाँ से आता है, एक तो अगर हार्ट के अंदर, हार्ट की वॉल्स के अंदर, म्यूरल का मतलब होता है वॉल्स, हार्ट के अंदर भी अगर किसी वजह से जैसे हमने हार्ट फेलियर के अंदर देखा था, किसी वजह से अगर हार्ट के अंदर ब्लड ज्यादा जमा होना शुरू हो रहा है कार्डियोमायोपैथीज वगैरह में, तो वहां पे भी थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाएगा, वो थ्रोम्बस का कुछ हिस्सा टूट के एम्बुलस बन के वो जाके ब्रेन की आर्टरीज में फंस सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो इन्फेक्शन होता है जिसमें वाल्व इन्फेक्ट होना शुरू होते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मुख्तलिफ तरीके से वो इन्फेक्शन होता है, अक्सर एडिक्ट्स में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी जो इन्फेक्टेड वाल्व के ऊपर कुछ चीजें लग जाती हैं जिसे वेजिटेशन कहते हैं, वो उतर के भी जाके आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती हैं। फिर ट्यूमर सेल्स के कोई हिस्सा आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, एयर बबल्स ब्लॉक कर सकते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स एम्बोलिज्म कर सकते हैं, फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म आपने पढ़ा होगा अपना जनरल पैथोलॉजी के अंदर, तो एम्बोलिज्म लेकिन होती है लेकिन उसकी वजह से कम होता है, ज्यादातर थ्रोम्बोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो रहा होता है। ठीक है, सो ये देख रहे हैं इंटरनल कैरेटर आर्टरी में या कहीं भी ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो नहीं पहुंच रहा ब्रेन तक, उसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो रहा है, और वो जितना एरिया जहाँ ब्लड नहीं पहुंच रहा वो सारे का सारा इस तरह से नजर आएगा सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह पे। अच्छा, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स डिपेंड करते हैं बेटा कितनी किस एरिया की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जिस वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और जिस एरिया को वो सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एरिया क्या रोल प्ले करता था और उसकी वजह से कितनी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो वो और दूसरी चीज़ ये कि इसके अलावा जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो ये अगर मिसाल के तौर पे इस आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो ये जो साथ वाली आर्टरी है ये कोशिश करेगी कि इधर उधर से जो बाकी आर्टरीज हैं, बाकी रास्ते हैं, उनके थ्रू जो प्लेटलेट सर्कुलेशन है उसके थ्रू पहुंचाने की कोशिश करें ब्लड को। सो अगर वो भी प्लेटलेट सर्कुलेशन भी ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है तो फिर ज़्यादा साइन सिम्टम्स नजर आने शुरू होते हैं। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्रोम्बोसिस जाके जमा होता है, सबसे ज़्यादा कैरोटिड बाइफर्केशन, जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड में डिवाइड हो रही होती है वहाँ पे थ्रोम्बोसिस सबसे ज़्यादा होता है, या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो कि ये वाली आर्टरी थी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, इसके अंदर जो है वो थ्रोम्बोसिस सबसे ज़्यादा होता है, कि फिर ऑक्लूजन ज़्यादा होती है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में एम्बोलिज्म भी ज़्यादा होता है, मतलब फिर उसके अंदर इम्पैक्ट क्या होता है, कंट्रालेटरल साइड का पैरालिसिस होगा, दूसरी साइड जिस साइड की मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, मतलब ये राइट की है ये लेफ्ट की है, तो जिस साइड की मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डैमेज होगी उससे अपोजिट साइड का पैरालिसिस होगा, क्योंकि फाइबर जो है वो क्रॉस कर जाते हैं ब्रेन में, और फिर मोटर एंड सेंसरी डिफेक्ट्स होगा, मतलब मसल्स भी इंपैक्ट होंगे, सेंसेशंस भी इंपैक्ट होंगी, और एफेजिया हो सकता है यानी कि बोलने चलने में मसला हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टेम्पोरल लोब इंपैक्ट होना शुरू होता है, उसको सप्लाई हो रही होती है, पैराटल लोब इंपैक्ट होता है, तो उसकी वजह से एफेजिया होना शुरू हो जाता है। अगर छोटी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो छोटी छोटी लीन्स नजर आती हैं, और वो छोटी लीन्स फिर छोटे छोटे पिट्स टाइप बना देती हैं, लैक्यूना का मतलब होता है लेक, वो छोटी छोटी सी पिट्स टाइप होती हैं, जब ठीक हो जाए तो हल्की हल्की लेक सी नजर आती हैं ब्रेन के अंदर, तो बंदा बिल्कुल ठीक होगा, बहुत अरसे बाद आपने सीटी स्कैन कराया तो उसके अंदर छोटी 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 लेक्स टाइप चीज़ें नजर आएंगी। ठीक है, ये जैसे ये इनको लेक्यूना कहते हैं, इसका मतलब होगा कभी इसको स्ट्रोक हुआ था। ठीक है, क्लिनिकली जो लेक्यूना स्ट्रोक होता है इसका अक्सर या तो थोड़ा सा सेंसेशन में प्रॉब्लम होता है या मोटर प्रॉब्लम्स होते हैं, और बड़ा थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन होती है उसके बाद ठीक हो जाता है। प्योर मोटर जो लेक्यूना स्ट्रोक होता है वो ब्रेन का वो एरिया होता है जिसे इंटरनल कैप्सूल कहते हैं, इंटरनल कैप्सूल इज अ एरिया ऑफ फाइबर्स जो ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिला रहा होता है, तो ब्रेन के अंदर या तो सेल बॉडीज होती हैं या फाइबर्स होते हैं, यानी कि जब भी आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो तो एक सेल बॉडी होती है और एक उसका एक्सॉन या डेंड्राइट होता है, तो जो डेंड्राइट्स होते हैं या एक्सॉन्स होते हैं उनको फाइबर्स कहते हैं, तो इस तरह से ब्रेन के अंदर जो फाइबर्स का एक पूरा एरिया है, दैट एरिया दैट फाइबर्स आर कनेक्टिंग वन पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द अदर पार्ट, वो जो एरिया है उस सारे एरिया को इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। सो जो लेक्यूनर स्ट्रोक होता है अक्सर वो उस इंटरनल कैप्सूल के डैमेज होने की वजह से प्योर मोटर लेक्यूनर स्ट्रोक होता है। जो प्योर सेंसरी लेक्यूनर स्ट्रोक होता है जो कि छोटा वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन है, वो उन लीन्स की वजह से होती है जो थैलेमस को इम्पैक्ट करते हैं, और थैलेमस का आपको पता होगा कि वो सेंसरी पार्ट होता है ब्रेन का वो पार्ट होता है, सारी सेंसेशंस पहले थैलेमस में पहुंचती हैं, वहां से फिर आगे ब्रेन के बाकी पार्ट्स में जाती हैं। ठीक है, सो सेंसरी जो है वो थैलेमस पे इम्पैक्ट करता है, मोटर जो है वो इंटरनल कैप्सूल पे इम्पैक्ट करता है। लेक्यूनर स्ट्रोक की बात हो रही है जिसमें छोटी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, छोटी लीन्स बनती हैं,
और छोटी लीन्स की वजह से इतना बड़ा आपको हाइपरटेंस एरिया नहीं नजर आएगा, छोटे छोटे एरियाज नजर आएंगे, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोप करके देखोगे तो आपको माइक्रोस्कोपी या हिस्टोलॉजी के अंदर मैक्रोफेजेस और ग्लायोसिस, ग्लायल सेल्स बहुत ज्यादा नजर आएंगे, माइलिन का लॉस नजर आएगा, न्यूट्रोफिल काफी ज्यादा आ चुके होंगे और कुछ रेड न्यूरॉन्स होते हैं वो नजर आना शुरू होंगे। अब हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, हेमरेज की वजह से। अब हेमरेज दो तरह का हो सकता है, इंट्रा सेरेब्रल और सबरेक्नॉइड। इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज में ब्लीडिंग होती है ब्रेन के अंदर, ठीक है, सेरेब्रम के अंदर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ब्रेन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और ज्यादातर ये हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन की वजह से स्लोली स्लोली जहाँ पे आर्टरी दो में डिवाइड हो रही होती है, आर्टरी बाइफरकेशन, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, वो एरिया स्वेलन स्वोलन होना शुरू हो जाता है। तो वो सारी स्वोलन एरिया को चार्कट बुचार्ड एनोरिज्म कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे भी वेसल स्वोलन हो जाए वो एनोरिज्म होगा। लेकिन जब ब्रेन के अंदर आर्टरी की बाइफरकेशन के एरिया पे छोटी छोटी डायलेशन होंगी जो कि हाइपरटेंशन की वजह से हो रही है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा पड़ रहा है वो एरिया, वो आर्टरी फूलती जा रही है, उसको शार्कट या चार्कट बुचार्ड एनोरिज्म कहते हैं, और फिर वो फट जाता है एनोरिज्म और वहाँ पे हेमरेज हो जाता है, ठीक है। सो ये आपका पैथोजेनेसिस है, हाइपरटेंशन की वजह से एनोरिज्म हुए, किस तरह से हुए, कहाँ पे हुए बताओ, और फिर वो फिर जब फट गया तो वहाँ पे खून निकला, ब्लीडिंग हुई। जब वो ब्लीडिंग हुई तो उसने जाके ब्रेन के उस एरिया को जोर से इम्पैक्ट किया या उस पर प्रेशर डाला, जिस एरिया पे प्रेशर डाला या जिस एरिया पे जो फंक्शंस थे उस एरिया के जिस पे प्रेशर पड़ रहा है वो फंक्शन सही तरह से नहीं हो गए, तो फाइलेज के सिम्टम्स नजर आएंगे या स्ट्रोक के सिम्टम्स होंगे। सबरेक्नॉइड हेमरेज फिर कौन सा होता है, सबरेक्नॉइड वो स्पेस होती है जो एरेक्नॉइड मैटर के नीचे होती है, ठीक है। तो ये ब्रेन के अंदर नहीं होता, ब्रेन से बाहर मेनिंजेस के नीचे, वहां पे एक और एनोरिज्म होता है, उसे बेरी एनोरिज्म कहते हैं। अभी जो बेरी एनोरिज्म होता है ये बेसिकली अगेन इट्स अ टाइप ऑफ स्वेलिंग, छोटी छोटी बेरीज की तरह की स्वेलिंग होती है वेसल्स के अंदर, लेकिन ये हाइपरटेंशन की वजह से नहीं होता, ये कंजेनिटल होता है, यानी कि ये बाय बर्थ होते हैं छोटे छोटे एनोरिज्म, और ये एनोरिज्म होते हैं सर्कल ऑफ विलिस के पास। तो सर्कल ऑफ विलिस अभी जो आपको मैंने बताया था, सर्कल ऑफ विलिस इज दिस सर्कल ऑफ विलिस, ये सर्कल ऑफ विलिस है विच इज इम्पॉर्टेंट when you learn the blood supply of the brain, तो ये एक सर्कल सा बन रहा होता है जो ब्रेन को हर तरफ सप्लाई कर रहा होता है ब्लड। तो उस सर्कल ऑफ विलिस में छोटे छोटे एनोरिजम्स बन जाते हैं जिसे बेरी एनोरिज्म कहते हैं, और वो फिर जब ब्लीड करते हैं तो उनकी वजह से सबरेक्नॉइड हेमरेज होता है और उसकी वजह से फिर स्ट्रोक होता है। इसके अलावा एवी मैलफॉर्मेशन भी होती हैं, यानी कि आर्टीरियो वेनस फिस्टुलाज बन गए हो, आर्टीरियो वेनस एनास्टोमोसिस हुए हो, जो जहाँ पर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आर्टीरियो वेनस वेन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हो, या कोई ट्रॉमा या चोट लगे उसकी वजह से भी सबरेक्नॉइड हेमरेज हो जाता है। तो ये आपको हेमरेजिक स्ट्रोक दिखाया हुआ है कि ब्लड वेसल जो है वो वीक हो गई हाइपरटेंशन की वजह से, और फिर वो इवेंचुअली वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या था कि ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई, ये दो फर्क है। सीटी स्कैन पे आपको हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो जो ब्लड का जो क्लॉट होगा बड़ा सारा वो इस तरह से वाइटिश सा नजर आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सीटी स्कैन है, ये आपको इतना बड़ा जो वाइटिश एरिया नजर आ रहा है ये इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज नजर आ रहा है, और ये सीटी स्कैन है। अब ब्रेन हेमरेज की क्लासिफिकेशन होती है, अब ग्रेड वन अगर आप करो, ग्रेड वन में जो है वो ब्लीडिंग बहुत छोटी सी अपने एरिया के अंदर होती है जहाँ पे कॉर्टेक्स में जहाँ पे उसने इम्पैक्ट किया सिर्फ वहीं पे। ग्रेड टू में वो वेंट्रिकल्स तक चली जाती है, ग्रेड थ्री में वेंट्रिकल्स पूरे भर जाते हैं, फूलना शुरू हो जाते हैं, और ग्रेड फोर में जो है वेंट्रिकल से फिर आगे ब्लीडिंग जो है वो बाहर की ब्रेन के बाकी एरियाज में भी फैलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बहरहाल दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट रीजंस, अभी आपके लेवल पे ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेडिसिन और सर्जरी का नॉलेज है। फिर स्ट्रोक की ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले आपने इसको फास्ट एक्ट करना है, क्या क्या देखना है, आपने देखना है फेस ठीक है इसका कि नहीं, अनिवन तो नहीं लग रहा, आर्म की स्ट्रेंथ खराब तो नहीं हुई, एक आर्म उठाया नहीं जा रहा, स्पीच तो नहीं उसकी खराब हुई, फटाफट आप कॉल करें, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है कुछ मिनट्स का टाइम होता है जिसके अंदर फालेज का अटैक हो तो आप फौरन से उसे ऐसी दवाई दें जो उसके क्लॉटिंग को ख़त्म करे या उसके क्लॉट्स डिजॉल्व कर दे, तो फौरन से अगर आप उतने टाइम के अंदर अंदर देते हो तो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाती है और फौरन जो है वो ठीक होना शुरू होता है। तो आपको ये साइंस और सिम्टम्स जो है वो पता होने चाहिए, और उस जितनी जल्दी आप इस्कीमिक स्ट्रोक को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो करें। अब ट्रांजिक इस्कीमिक अटैक क्या है या TIA क्या है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक, ट्रांजिएंट का मतलब टेम्प्रेरी, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक टेम्प्रेरी अटैक है जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, ब्रीफ सी एपिसोड होती है जिसके अंदर ब्रेन सिम्टम्स होते हैं या आपको देखने में प्रॉब्लम्स होती हैं, रेटिनल इस्कीमिया होता है, बंदा कहता है थोड़ी देर के लिए अंधेरा छाया और वो घंटे से कम के लेसर टाइम होता है और उसके अंदर कोई इन्फार्क्शन का नज़र नहीं आ रहा होता कि इसके अंदर कहीं पे वेसल ब्लॉक हुई है या नहीं, होता है वो वेसल की ब्लॉकेज की वजह से, लेकिन वो इतना छोटा सा इतनी थोड़ी देर के लिए होता है
कि उसकी वजह से हल्का सा डिसफंक्शन होगा, यानी हल्का सा इसको वीकनेस वगैरह महसूस होगी, ये स्पीच हल्की फुल्की खराब होगी, या ज्यादातर ब्रेन के अलावा आईज के ऊपर इम्पैक्ट होगा, नजर में मसला होगा, थोड़ी सी देर के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, इन इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में या जो छोटी छोटी ब्रीफ एपिसोड होती हैं अक्सर बूढ़े लोगों में होती हैं, और इनकी वजह से कई दफा क्या होता है, इसकी वजह से बंदा गिर जाता है। अक्सर जो बूढ़े लोगों के फॉल्स के साथ जब आते हैं, फॉल की हिस्ट्री के साथ, तो हम जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने देखना होता है कि उसको ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक तो नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई कम गई लेग्स में मिसाल के तौर पे, ठीक है, या लेग्स में या उस पार्ट ऑफ ब्रेन को कम ब्लड सप्लाई गई जिसने लेग्स को कंट्रोल करना था और वो कंट्रोल नहीं कर सका, तो वो लेग्स यूजलेस होती हैं, बंदा ठा करके गिर जाता है और फिर थोड़ी देर बाद सही होकर उठ जाता है, तो वो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक की वजह से बिगड़ता होता है। ठीक है, उसको पता नहीं चलता क्यों गिरा है, फिसला नहीं है, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन गिर गया। ठीक है, सो वो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक की वजह से गिर सकता है। इसके अंदर परमानेंट डैमेज नहीं होता, लेकिन ये चीज़ बड़ी वार्निंग साइन है कि कहीं ना कहीं आर्टरी जो है वो ऑक्लूड होना शुरू हो रही है। तो इस वार्निंग साइन में आपने क्या करना है, आपने फिर उसका पूरा एंजियोग्राफी करके देखनी होती है कि कहाँ पे इसकी वेसल में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, और वो सीरियस प्रॉब्लम से फिर उसे बचाने की कोशिश की जाए। ठीक है, विद इन 24 आवर्स, इट्स लेस देन 24 आवर्स, इट इज फॉर लेस देन 24 आवर्स, इट हैज आई प्रॉब्लम्स विद आईज, एक साइड की आई खास तौर पे, और कुछ सेरेब्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, इनएडिक्वेट फ्लो होता है, लो ब्लड फ्लो होता है, थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा वो थ्रोम्बस एम्बोलस नहीं होता कि वो लंबी देर का प्रॉब्लम करे, तो उस वक्त आपने फटाफट देखना होता है कि टेम्प्रेरी ब्लॉकेज कहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये टेम्प्रेरी ब्लॉकेज होती है। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स की, यानी कि ब्रेन को चोट लगने से क्या कुछ होता है। ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास आ जाती हैं हेड इंजरीज, हेड इंजरीज में क्या कुछ हो सकता है, पेनिट्रेटिंग वुंड्स हो सकता है, जिसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए ब्लड कोई भी चीज़ बाहर की, फॉरन बॉडी या कुछ भी जो कि ब्रेन के अंदर तक चली जाए। ठीक है, इसकी वजह से बाहर से पेनिट्रेट करने की वजह से जब बाहर की इन्वायरमेंट के साथ जब कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, तो ऑब्वियसली बाहर से इन्फेक्शन भी आ सकते हैं अंदर। नॉन पेनिट्रेटिंग इंजरी क्या होती है, जिसमें ब्रेन टूटा नहीं है, उसके अंदर तक नहीं गई वो चीज़, उसको कूप इंजरी भी कहते हैं, और दूसरी साइड वाले इंजरी को काउंटर कूप कहते हैं। मतलब क्या होता है कि एक साइड से बंदे को सर पे किसी ने बल्ला मारा मिसाल के तौर पे, क्योंकि आजकल बल्ला बड़ा इन है, तो अगर किसी को, किसी इंसान को, अब ये ब्रेन है तो एक साइड से अगर किसी ने बल्ला मारा, ठीक है, ये स्कल है सॉरी बाहर, और ये अंदर ब्रेन है, ठीक है, ठीक है, इधर से आपको आके चोट लगी, तो ये कूप इंजरी होगी, और फिर वो जो यहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर उसके बाद वो जो बाकी पिछला एरिया है वो वापस जाके ज़ोर से लगेगा, ठीक है, स्कल पे, इस जगह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड था, ठीक है, सो वो जो वापस जाके लगेगा दूसरे पार्ट, दूसरी जगह अपोजिट टू द प्लेस वेयर द इम्पैक्ट वॉज, वो काउंटर कूप इंजरी होगी। सो जहाँ पे लगती है चोट वो कूप इंजरी है, जो पीछे जाके लगता है वो काउंटर कूप इंजरी होती है। ये पेनिट्रेटिंग नहीं होता, मतलब कोई चीज़ ब्रेन के अंदर नहीं जा रही लेकिन बाहर से इसको इम्पैक्ट हो रहा है। सो काउंटर कूप और कूप इंजरी का ये कॉन्सेप्ट होता है, दोनों साइड्स पे जहाँ जहाँ चोट लगी है और उसकी अपोजिट साइड, दोनों साइड पे ब्रेन डैमेज हो सकता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। जब कहीं पर भी चोट लगे, आप हाथ पाँव में भी कहीं पर चोट लगे, तो आपका नील बन जाता है। नील क्या होता है, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए। तो जब ब्रेन में ब्लड क्लॉट होता है तो उसको हेमाटोमा कहते हैं। तो मुख्तलिफ जगह पे जहाँ जहाँ क्लॉट हो उसकी उसके वो नाम होते हैं, एक एपिड्यूरल हेमाटोमा, सब ड्यूरल हेमाटोमा, तो अगेन ये ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एक्नॉइड मैटर जो तीन मेनिंजेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे बन रहा है। जो एपिड्यूरल हेमाटोमा है वो अक्सर ऐसा जगह पे ब्लीडिंग होती है जो एपिड्यूरल रीजन यानी कि ड्यूरा मैटर से ऊपर। अब इसमें एपिड्यूरल हेमाटोमा में अक्सर साथ स्कल फ्रैक्चर भी होता है, और ये ब्लड कहाँ से आता है, ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो मेनिंजेस को सप्लाई कर रही होती है उसकी ब्रांचेस जब फटती हैं तो उनके अंदर से जब ब्लड जमा होता है और क्लॉट बनाता है तो वो एपिड्यूरल रीजन में जमा होता है, और उसे एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ल्यूसिड इंटरवल होता है। ल्यूसिड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि बंदा फौरन, बंदे को कुछ नहीं होता लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश होता है और फिर सही हो जाता है। ठीक है, उस थोड़ी देर बाद होने को ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं, कि थोड़ी देर ठीक है फिर उसके बाद वो ख़राब हो गया। ठीक है, इसकी जो है फौरन इमरजेंसी अगर आप इसकी सर्जिकल इंटरवेंशन करें, इसकी सर्जरी की जाती है और इसके अंदर से जो ब्लड क्लॉट है इसको निकाल दिया जाता है। सो इसकी वजह से फिर फटाफट इस सर्जरी की वजह से बंदा ठीक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि ये ब्लीडिंग अभी ब्रेन के अंदर नहीं गई होती, ठीक है, तो बाहर बाहर होती है, वो हेमाटोमा आप निकाल देते हो, ब्रेन ज़्यादा डैमेज नहीं होता। ठीक है,
सो स्कल फ्रैक्चर हुआ, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी टूटी क्योंकि मेनिंजिस के साथ है, एपिड्यूरल हेमाटोमा हो गया। सब ड्यूरल हेमाटोमा क्या होता है? सब ड्यूरल हेमाटोमा जो है वो वीनस ब्लड की वजह से होता है, इसके अंदर आर्टीरियल ब्लड होता है एपिड्यूरल हेमाटोमा के अंदर। सब ड्यूरल हेमाटोमा की वजह से सब ड्यूरल हेमाटोमा में वेन्स इंपैक्ट होती हैं, ठीक है। सब ड्यूरल हेमाटोमा में ब्रिजिंग वेन्स, जो सेरिब्रम, जो अब आपने वीनस साइनेसिस पढ़े होंगे या ड्यूरा ड्यूरा मैटर के साइनेसिस पढ़े होंगे, वो और सेरिब्रम की बाकी जो वीनस साइनेसिस हैं वो जब मिल जाती हैं जो, या जो बाकी वेन्स हैं वो जो वेन्स जो उनको मिला रहे होते हैं, उन वेन्स के ऊपर अगर ब्लीडिंग हो या उन वेन्स से ब्लीडिंग हो तो वो सब ड्यूरल हेमाटोमा करती हैं। और इसके अंदर स्लोली स्लोली वो सेरिब्रल कंप्रेशन के साइंस नजर आने शुरू होते हैं। मतलब सेरिब्रल कंप्रेशन के साइंस का मतलब क्या है कि जब ब्रेन किसी एरिया पर दबना शुरू होता है तो वहाँ पर उसके साइंस नजर आने शुरू हो जाते हैं और वो फिर स्लोली स्लोली डेवलप होते हैं। तो मतलब फ़ौरन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ घंटों बाद, दिनों बाद, हफ्तों बाद जो है वो हेड इंजरी जो है वो उसकी उसके साइंस जो है आपको नजर आने शुरू होंगे। और वेनस हेमरेज पहले बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जो हेमाटोमा का साइज है यानी जो क्लॉट क्लॉट का साइज है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है लेकिन क्लॉट का साइज इंक्रीज होता शुरू हो जाता है क्योंकि क्लॉट के अंदर वाटर आके ऑस्मोसिस के थ्रू जमा होना शुरू हो जाता है और फिर ऐसे लगता है जैसे ट्यूमर बनता जा रहा है और ट्यूमर की वजह से जो इम्पैक्ट होना शुरू होता है ब्रेन के अंदर, उस तरह के साइंस नजर आना शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री लेंगे केयरफुली तो आपको उसकी कोई ना कोई ट्रॉमा या इंजरी की हिस्ट्री मिलेगी और अगर आप उसका अच्छी तरह से वो करके देखेंगे सीटी स्कैन वगैरह तो आपको ये नजर आएगा कि सब ड्यूरल हेमाटोमा कैसे होता है, ठीक है। तो सब ड्यूरल हेमाटोमा में ये क्रिसेंट शेप्ड हेमाटोमा बनता है। जो एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है उसकी जो शेप होती है इसका लेंटिकुलर शेप होती है। अब लेंटिकुलर से ज्यादा आसान लफ्ज है वो है बायकन्वेक्स। तो जो एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है वो बायकन्वेक्स होता है, जो सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है वो क्रिसेंट शेप्ड होता है। ये दोनों साइड से कन्वेक्स होगा, ये क्रिसेंट की तरह का होगा। तो जब आप इसकी वो करके देखेंगे सीटी स्कैन वगैरह तो आपको उस पर पता चल जाएगा कि सब ड्यूरल कौन सा है और एपिड्यूरल कौन सा है, ठीक है। किस वजह से हो रहा है कहाँ, ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, शेप में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता, सूचर लाइन से पहले पहले होता है। मतलब आपने ब्रेन में सूचर्स पढ़े होंगे, उन लाइन्स को ये क्रॉस नहीं करता, जो सब ड्यूरल हेमाटोमा है वो क्रॉस कर देता है। सो ये डिफरेंसेस याद रखेगा, आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड का डिफरेंस, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी टूटती है अक्सर, इसमें ब्रिजिंग वेन्स खराब होती हैं और क्रिसेंट शेप होता है, बायकन्वेक्स होता है, सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता, सूचर लाइन क्रॉस करता है, ठीक है। इससे आपको फर्क पता चल सकता है और फिर साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या फर्क है? मेन चीज जो एपिड्यूरल हेमाटोमा की है वो ल्यूसिड इंटरवल है। ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है? ल्यूसिड इंटरवल ये होता है कि पेशेंट जो है वो थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है जैसे ठीक हो रहा है, ठीक है। मतलब लगता है कि पेशेंट को चोट लगी, शुरू में उसको इम्पैक्ट होता है लेकिन उसके बाद वो ठीक होना शुरू होता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब वो थोड़ी देर ठीक होता है उसको ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं। सो एपिड्यूरल हेमाटोमा, लेकिन जो सबड्यूरल हेमाटोमा है वो ऐसे बड़ा होता जाता है, ऑस्मोसिस ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लॉट के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जमा होना शुरू होता है, वो क्लॉट बड़ा होना शुरू हो जाता है और फिर वो जो साइंस जैसे ट्यूमर के साइंस होते हैं कंप्रेशन के, वैसे साइंस नजर आना शुरू होते हैं। और सेरिब्रल कंप्रेशन के साइंस का मतलब क्या है कि जिस एरिया ऑफ ब्रेन पे वो कंप्रेशन हो रही है वो एरिया ऑफ ब्रेन, जौन सा रीजन आपका बॉडी का कंट्रोल कर रहा था उस रीजन में साइंस एंड सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो मोटर और रीजन हो या मोटर सिम्टम्स उसमें आए या सेंसरी आए या और स्पीच में आए या और प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। वो कंप्रेशन जहाँ पे हो रही है उसकी वजह से पता चलेगा। अगेन एपिड्यूरल, सब ड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा विच इज ऑल्सो एपिड्यूरल, एपिड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा आर द सेम थिंग। जो एपिड्यूरल है या एक्स्ट्रा ड्यूरल है वो सेम है। सो उसके अंदर लैमिनर बनाना का उन्होंने कहा हुआ है, या आप इसको क्रिसेंट या बायकन्वेक्स शेप कह दो। सो ये इसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो से हेमाटोमाज होते हैं उसमें, उसके अंदर सब रेक्नॉइड हेमरेज आ जाता है। जैसे वो अभी आपको मैंने बताया कि सब रेक्नॉइड हेमरेज जो है वो कब होता है? इस्कीमिक सॉरी हाइपरटेंशन के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर जब हेमरेज होता है तो वो सब रेक्नॉइड हेमरेज होता है अक्सर बेशतर, ठीक है। सो वो इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज भी कहते हैं। इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है। सब रेक्नॉइड हेमरेज रेक्नॉइड मैटर के नीचे वाले एरिया में होता है और ये आपको बताया है कि बेरी एनरिज्म, एवी मैलफॉर्मेशन और ट्रामा की वजह से होता है। सो टोटल चार टाइप्स के हेमाटोमाज होते हैं, हेमरेजेस होते हैं ब्रेन के।
एक तो स्ट्रोक के अंदर आपने पढ़ ली दो टाइप्स, इंट्रा सेरेब्रल जो कि हाइपरटेंशन की वजह से हो रही है, सब एरेक्नॉइड जो कि एनुरिज्म्स वगैरह की वजह से हो रही है, और एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल वर्सेज सब ड्यूरल, ठीक है। सो ये ट्रामा की वजह से होते हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज योर लेक्चर इज डन फॉर टुडे। इससे अगले लेक्चर में हम इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।